हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वहां ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा रहे हैं, और ऐसे में उन्हें कंपनियां जो सैलरी दे रही हैं वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 10 भारतीय सीईओज के बारे में। सत्य नडेला। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी एक इंडियन है जिनका नाम है सत्य नडेला। वो साल 2014 में इस कंपनी के सीईओ बने थे, जिस वजह से आज इनकी एनुअल सैलरी करीब 575 करोड़ रुपए है और उनकी अब तक की संपत्ति करीब 299 मिलियन डॉलर यानी करीब 2120 करोड़ रुपए है। शांतनु नारायण। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के सीईओ शांतनु नारायण की अब तक की संपत्ति करीब 191 मिलियन डॉलर यानी करीब 1355 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं आज के समय में इनकी सैलरी और कंपनी स्टॉक्स को मिलाकर इनकी सालाना इनकम करीब 545 करोड़ रुपए है। सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक इंडियन है जो 2015 में गूगल के सीईओ बने थे, और इतने कम समय में ही सुंदर पिचाई सबसे अमीर इंडियन सीईओज में से एक बन गए हैं, जिनकी एनुअल इनकम करीब 310 करोड़ रुपए है, जिसके चलते उनकी कुल संपत्ति 934 मिलियन डॉलर यानी करीब 6633 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आज के समय में इनकी कुल नेटवर्थ है करीब 3,80,700 करोड़ रुपए, लेकिन इनकी सालाना सैलरी की बात करें तो वो काफी पीछे हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से सैलरी के तौर पर सालाना करीब 180 करोड़ रुपए कमाते हैं। राकेश कपूर। दोस्तों, रैकेट बैंकाइजर कंपनी के सीईओ राकेश भी एक भारतीय हैं। अगर इनकी सालाना सैलरी की बात करें तो इन्हें करीब 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैकेज मिलता है। इंदिरा नुई। इंदिरा नुई का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो इंटरनेशनल कंपनी पेप्सिको की सीईओ हैं। इंदिरा पेप्सिको में पिछले 25 साल से काम कर रही हैं और वो पिछले 13 साल से इस कंपनी की सीईओ पद पर हैं। आज इनकी संपत्ति करीब 1076 करोड़ रुपए है, और साथ ही अगर इनकी एनुअल सैलरी की बात करें तो वो करीब 133 करोड़ रुपए है। संजय के झा। दोस्तों, ग्लोबल फाउंड्री के सीईओ एक इंडियन संजय झा हैं। इसके अलावा वो मोटोरोला मोबाइल के फॉर्मर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिसके चलते इनकी एनुअल इनकम की बात करें तो वो करीब साल भर में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो वो करीब 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 9,220 करोड़ रुपए है। अजय पाल सिंह बंगा। दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड जीतने वाले अजय सिंह बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। साल 2015 में उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापार नीति और वार्ता के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया था। इनकी एनुअल इनकम करीब 84 करोड़ रुपए है। वहीं आज के समय में इनकी कुल संपत्ति करीब 1688 करोड़ रुपए है। फ्रांसिस्को डिसूजा। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी कॉग्निजेंट के सीईओ भारतीय मूल के 51 वर्षीय फ्रांसिस्को डिसूजा हैं, और अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो आज फ्रांसिस्को करीब 191 मिलियन डॉलर यानी करीब 1354 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, और इनकी एनुअल सैलरी करीब 78 करोड़ रुपए है। दिनेश पालीवाल। दोस्तों, सैमसंग की सहायक कंपनी हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज एक अमेरिकी कंपनी है, जिसके सीईओ दिनेश पालीवाल एक भारतीय हैं, और वो इस कंपनी से सालाना करीब 71.5 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।